से 10 मार्च तक के लिए किया जाता है। इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री एन सहा अधीक्षण क्षेत्र सुरक्षा हमारे भी पहुंच चुके हैं। तो मैं सभी का अनुरोध करता हूं कि श्री सहा सर का तालियों के साथ स्वागत करें और इसके पश्चात हमारे श्री संदीप भगत कार्यपालन अभियंता संरक्षक भी मौजूद हैं, उनके भी सम्मान के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। साथ ही हमारे संरक्षा अधिकारी श्री नरेंद्र देवांगन कर्मठ झाड़ू लगातार संरक्षा का प्रसार करने के लिए उनका लगातार योगदान रहता है, उनका भी तालियों की बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और साथ ही इस सभागृह में जितने भी लोग हैं जो संरक्षा के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं, उन सभी का तालियों के साथ स्वागत करें। सभी का इस सभागृह में, इस कैंटीन में आप लोगों का स्वागत है। और मैं चाहूंगा सभी संरक्षा के प्रति अपनी जवाबदारी, अपना ध्यान लगाना है और सुरक्षा को आगे बढ़ाना है। हमारे ही संरक्षा सप्ताह बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें सुरक्षा की बारीकियों को समझना, बारीकी को समझते हुए उसकी गंभीरता पर विचार करना और उसको अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करना, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है ये सेफ्टी किट बनाने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य। तो इसके बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि यह जो संरक्षण सप्ताह है 4 मार्च 1966 वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उसके बाद में उनके स्थापना दिवस के अवसर पर 4 मार्च 1972 से लगातार जो प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं और यह हमारा जो वर्ष ये साल है 51वां हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसे आज का चिंतन है कि आज व्याख्यान रखा गया है यहाँ पर, तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बेकावर बीके के संरक्षा अधिकारी मौजूद है, श्री रणविजय सिंह संरक्षा अधिकारी, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो आए और अपना जो है अनुभव भी साझा करें। मुझे थोड़ा मैं पॉइंट आपको बताता हूँ, सेफ्टी हम लोग बहुत जरूरी है। यहाँ पर
अगर नहीं करेंगे हल नहीं करते हैं तो तब हो कुछ बना दिए हैं फिर आप लोग देखे भी हो अगर देखे आप लोग को समझ आ गई हो तो बहुत बढ़िया है। मैं भी आप लोगों की देता हूँ छोटा भी हूँ बच्चा भी हूँ आप लोग भी मुझे बताने वाले हो मैं भी आप लोग को बताने वाला हूँ। सेफ्टी बहुत जरूरी है। आप लोगों के बीच में मैं मेरा नाम रंजन सिंह है सब बताए गए हैं मैं यूपी से हूँ यहाँ पे आया हूँ जॉब के लिए जाने का था लेकिन सेफ्टी का हर जगह हर लोगों के लिए छोटे हैं तो कृपया करके आप लोग सेफ्टी फॉलो करिए सेफ्टी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी के बारे में सब पूरा बताया गया है बताया गया है आगे मैं नहीं कुछ बता सकता हूँ उनसे ज़्यादा उतना नॉलेज मेरे पास ज़्यादा नहीं है लेकिन बता सकता हूँ तो कृपया करके आप लोग जो सर बताए हैं उसको फॉलो करिएगा ठीक है। साइड पर अनसेफ काम कोई नहीं कर रहे हैं सिर्फ किसी को आना भी चाहिए चाहे जो भी हो गए सीनियर हो जूनियर हो सब जो भी हो आप लोग जितने भी मेरे सीनियर सर हैं मैं तो याद नया मैं चाहता हूँ लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हैं सभी लोग हैं सेफ्टी को सबको मानना है सबसे पहले सेफ्टी को मानना है सेफ्टी को फॉलो करना है उसके बाद भी काम करना है चाहे जो भी हो चाहे यहाँ पे सभी लोग जो भी हैं मैं हूँ आप जो भी हो आप अपने परिवार के हैं अपने लिए हो तो सबसे पहले सेफ्टी फॉलो कर रहा है सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है तो आप कितना करिए सेफ्टी मानिएगा और कृपया करके यहाँ पे कॉल कराके साइड पे मोबाइल का यूज करिएगा सभी लोग मेरे जितने भी बंदे भैया लोग हैं आप लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साइड पे आप मोबाइल का यूज करिए। मैं जाता हूँ साइड पे बोले तो आप लोग बहुत मोबाइल यूज करते हो सभी लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग जब बैठो तब मोबाइल यूज करो उसके पहले यूज नहीं करना है ठीक है। और जो भी है सब बहुत बहुत धन्यवाद ताजियों का स्वागत करें कार्य मैनेजमेंट के सुरक्षा भी जरूरी है हमें कोई भी कार्य कोई भी उन्नति हो हमें दुर्घटना की कीमत पे हमें कोई विकास नहीं करना हमें प्रोडक्टिविटी विद सेफ्टी हमें कोई भी विकास करना है तो सुरक्षा के साथ करना सेफ्टी के साथ करना। अगर हमने बहुत बड़ा चीज अचीव तो करने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज हमने अचीवमेंट कर लिया एचीवमेंट कर लिया और दुर्घटना की कीमत में अगर उनको एचीवमेंट को प्राप्त करते हैं या वो विकास करते हैं तो वो किसी काम का नहीं। इसीलिए जो भी विकास करेंगे जो भी उन्नति करेंगे हम सुरक्षा के साथ करेंगे। जल्दबाजी है तो अपनी बलि दुर्घटना से देखो तो ये चीज समझने की आवश्यकता है। अगर जल्दबाजी है तो अपनी बलि है क्योंकि हड़बड़ी माने ही गड़बड़ी होती जहां हड़बड़ी हुआ माने गड़बड़ी हुआ तो कोई भी कार्य को हड़बड़ाहट के साथ नहीं करना है शांति के साथ करना है स्थिरता के साथ करना है अपने पूरे मन स्थिति लगा के कार्य करना है। जल्दबाजी में ही अधिकांशता दुर्घटनाएं होती है। जैसे आपका खासतौर पर रोड एक्सीडेंट जो है जल्दबाजी के कारण अक्सर तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री संदीप भगत सर से अनुरोध करता हूं कि वे भी आए और संरक्षा के बारे में सेफ्टी के बारे में हम लोगों को अवगत कराएं कि क्या एक्सपीरियंस है हमें और क्या बेहतर कार्य करना है। धन्यवाद
का आज के चर्चा व्याख्यान में हार्दिक अभिनंदन। ऐसा कि परमात्मा ने बताया मालिक ने बताया जल्दबाजी
ये तो है, हाँ ये क्या है, असुरक्षित तार है। मतलब हमें पता है कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन अगर हम हेलमेट नहीं पहनते हैं तो क्या है, ये असुरक्षित तार है। एक मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, छोटा सा कहानी है। एक बहुत बड़ा एक देश था, एक बर्लिन करके कोई शहर है, आप जानते हैं बर्लिन करके सुने कोई कंट्री है। तो वहां के जो राजा थे, उस राजा को एक किलर था, उसको मारना चाहता था, मारना चाहता था। और उसने क्या किया कि उसको एक तो अभी युद्ध चल रहा था, तो तंबू में छुपा हुआ था, मतलब रात तक कहीं विश्राम करता रहा होगा। तो वो किलर अपोजिट ग्रुप का आदमी था, वहां पे जाके उसने बम फेंक दिया जहां पे वो रह रहे थे। तो उसने बम फेंक दिया, तो लेकिन गनीमत से क्या था कि वो उस दिन उस तंबू में नहीं थे, किसी दूसरे तंबू में सो गए। तो उस आदमी को पूछा गया कि भाई वो आप तो उस राजा को मारने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप तो उसको नहीं मार पाए। तो वो मारने वाला क्या होता है तो पता है, वो उसे बोलता है कि उस राजा को हर बार उसको खुशकिस्मत होना पड़ेगा और मैं मारने के लिए हमेशा प्रयास करता रहूंगा और उसको हर बार खुशकिस्मत होना पड़ेगा। बात समझ गए मेरी? तो मतलब ये है कि आप गलतियां कर रहे हैं, सुरक्षा किया वो क्या था, वो अपने सुरक्षा के घेरे को तोड़ के वो अपना कहीं दूसरे जगह मतलब वो कहीं चला जाता था। जब वो पता था कि उसकी जान को खतरा है तो उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाया था, लेकिन वो जो है लापरवाही से कहीं चला जाता। तो उस किलर ने कहा कि उस राजा को हर बार खुशकिस्मत होना पड़ेगा। तो वो ऐसी दुर्घटनाएं भी हैं, आप गलतियां कर रहे हैं। अब जैसे अब मैं मान लो पाया कि क्या रहा है यार, कुछ नहीं होता, कहां मेरे ऊपर आएगा, क्या गिर जाएगा मेरे सिर में। तो आप जो अगर आप असुरक्षित कार्य हो, अगर आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हो, तो आपको हर बार हिम्मत होना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग? तो एक न एक ऐसा समय आएगा कि कुछ ऐसी मेजर घटनाएं होंगी कि आदमी का जान चला जाए, तो आपको हर बार खुशकिस्मत होना पड़ेगा उसके लिए। और इंसान हर बार खुशकिस्मत हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो इन्हीं संदेश के साथ हमारे बीच में श्री सूर्य कुमार सिंह जी हैं, साइड इंचार्ज के पावर, वो भी सुरक्षा के प्रति उतने ही उनका ध्यान रहता है, उसको प्राथमिकता से संपादित करने की कोशिश करते हैं। तो उनका भी मैं वक्तव्य आप लोगों के बीच चाहता हूँ। आइए सर। परमादरणीय कार्यक्रम, आदरणीय मेरे सहकर्मी को साथ, हम लोग जहां भी हो घर से निकलते हैं, काम करने के लिए प्लांट आते हैं, काम करने घर से लेकर के प्लांट तक और प्लांट से लेकर के घर तक जाने में सेफ्टी के अनुपालन काम से छुट्टी होगी। एक एक गाड़ी पे तीन तीन आदमी, स्पीड का कोई लिमिट नहीं है। अपना ही खूब बंदा डीएम प्लांट के पास टकराया मालूम हो रहा होगा, 6 महीना तक कुछ नहीं कर पाए। तो हम प्लांट आते हैं काम कभी तो सेफ्टी के साथ घर लौटे, ये मेरा सबसे पहला है। सेफ्टी का मीनिंग एस फॉर सेफ, अपने आप को बचाओ, ए फॉर एक्टिव, हमेशा सतर्क रहो, कंसर्न रहो, जहां भी जाए जा रहे हैं, सीढ़ी के ऊपर बीम लगा हुआ, सर में टकरा गया, सर टूट
पूजा के अपने बीवी बाल बच्चा माता पिता खुद के लिए अगर ये तीन कर लिया तो एक और एक अवस्थित हो जाएगी। ये है सेफ्टी, ध्यान रखते हुए चलना है, काम करना है, एक दूसरे को कॉपरेट की भावना से साथ चलना है। जा रहे हैं पीछे से पैर मार दिया, कोई भी कॉमेंट मजाक काम के अंदर नहीं होना चाहिए, लूज कपड़ा पहन के नहीं आना चाहिए। जा रहे हैं जहां फटा फटा तार है देख लिया ना छुए डर करें, अपने अधिकारी को बताएं, दूसरे को भी समझाए कि देख भाई यहाँ इस टाइप का प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा कि जो भी फर्स्ट प्लांट में दिखेगा उसको दूर किया जाए, नहीं दूर करते हैं अगला आएगा बिना देखे चलेगा, करंट भी मार सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेल्डिंग मशीन है डायरेक्ट करेंट कटा कटा है, हैंड ग्लव सब्जेक्ट किया जाता है, क्यों अपनी सुविधा नहीं दे रहे हैं, दे रही है अपना होशियारी नहीं दिखाना है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसमें बिल्कुल डर मत करो। 10 दिन पहले की बात है, अपना एक लड़का अमरनाथ पटेल है परमाणु, सारे काम करने के बाद वो ट्राई ले लिया, उसके दिमाग में आया ये घूम नहीं रहा, अब बताओ उतना हेवी कुंडली था उसका सिर्फ एक किया है, भगवान का टूटे उतरना बच गया, पैर तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हम लोग स्पॉट पे पहुंचा तो मैं और लड़का को दिखाया, ये कुंडली अगर नहीं घूमता तो ये घूम रहा है क्या, अब नहीं एकदम कुछ किया तो बच गया। सीख लेनी चाहिए, एक घटना से 10 दिन बिता नहीं कि बस एक्टिविटी अपने जैसा हो जाएगा, चलेंगे रेलवे क्रॉसिंग पार करेंगे, गेट पार करेंगे, स्पीड लिमिट नहीं, 60 से 80 पे गाड़ी चले चली गई कोई दिक्कत नहीं है, कल के डेट पता चला हाथ कट दो। एक लड़का ट्रैक टॉपर का सुदेश, बताओ कितने स्पीड में, 2 लड़का आ रहा था ये मदनपुर कान के पास, क्या उसकी स्पीड थी मैंने नहीं देखा, गाय रोड पे बैठी हुई है, गाय ने धक्का मारा, वो गाय से 10 मीटर आगे जाके क्या है, और जो पीछे था जो चला रहा था वो गाय के थोड़ा आगे, मोटरसाइकिल की स्थिति खराब और 6 महीना हो गया, एक टूटा हाथ टूटा धक्का कर, हम वो गलती क्यों करें जिससे मेरा खुद का नष्ट, डिसिप्लिन में से मेल पकता है, कोई हमको कुछ कह रहा है उसके ध्यान से सुनना है, अमल करना है, हमारे लिए फायदे की बात जाते हैं सर लोग चमकाते हैं मैं नहीं पकना, क्यों उसे लगाव है, अब उसके का हेलमेट है तो जरूर रहने के हेलमेट खोल कर फेंक दिया, चल गया इतना डस्ट उठ रहा है पूरे प्लांट में, चाहे हैंडलिंग का हो या कोल हैंडलिंग का, करने बावजूद भी लोग नहीं लगाता, अंदर जाएगा फेफड़ा खराब हो जाएगा, जिंदगी की सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये सब चीज का अनुपालन करना, इसके कारण हम आगे अपनी जिंदगी को सुखी को बच पाएंगे, अपने बाल बच्चा को देख पाएंगे। तो हम हमारा अपने सभी भाइयों से अनुरोध है कि सेफ्टी को अपनाते हुए काम करें, कोई दिक्कत नहीं हो, किसी बात के साथ बहुत बहुत स्वागत दीदी, इतना अच्छा और शानदार अपने अनुभव साझा किए, सभी कहीं न कहीं पर जीवन में छोटे बड़े दुर्घटनाओं को हमने देखा है, और उस पर अगर हम दुर्घटनाओं की अगर हम समीक्षा करें, अब इसके अगर जब समीक्षा करने जाते हैं तो पता चलता है कि अधिकांशतः जो भी दुर्घटनाएं होती है उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, 80 से 90% केसेस में ऐसा होता है कि उसमें व्यक्ति ही
के लिए जिम्मेदार है। तो इस चीजों को समझना है। मैं खुद अपने साथ बता रहा हूँ कि जैसे अब मुझे जब मैं पहले शुरू में हेलमेट नहीं पहनता था बाइक वाला, तो बाइक का हेलमेट क्या करते थे हम, तो अरे ये बड़ा अजीब सा लगेगा, पता नहीं मैं सांस दे पाऊंगा कभी नहीं दे पाऊंगा। तो इससे क्या पता चलता है, जब आप उस चीज को आप अपने आदतों में डालेंगे, जब उसको लगातार उपयोग करेंगे तो आपको ही अनकंफर्ट लगेगा कि अरे आप हेलमेट नहीं पहना, आपको कुछ कमी लगेगा गाड़ी चलाओगे। तो ये चीज हमारे आदतों में शामिल होना जरूरी है। किसी को हम लोग बिहेवियर बेस्ड व्यक्ति करते हैं, हमारे आदतों में आना चाहिए। जैसे हम पहले छोटे हैं तो क्या जूते पहनने में बड़ा अजीब लगता था, जूता को जब पहनते थे अरे ये बड़ा बड़ा होता है, बड़ा सा पसीना निकलता है, बड़ा व्यापार दिखता है और चप्पल अच्छा लगता है, तो बहुत सालों तक हम लोग चप्पल ही पहनते। लेकिन अब जूता जूता एक नॉर्मल शू ही क्यों ना हो, आपके पैर को ज्यादा प्रोटेक्शन देता है चप्पल की जूता। और हर कोई आज रोजमर्रा की जिंदगी में बाइक चला रहा है, कोई है ना, बिना बाइक के कोई नहीं चलते। तो ये सब शूज वगैरह भी आपके पैर को कितना ही प्रोटेक्शन प्रदान करते। तो हमेशा सेफ्टी की बात प्लांट में ही क्यों होती, बताइए प्लांट में क्यों होती, सेफ्टी सेफ्टी की बात क्यों होती। वैसे तो बाहर में भी होती है, कोई कहता नहीं है आप लोगों को वहां सेफ्टी के बारे में, लेकिन प्लांट परिसर में संयंत्र में सेफ्टी की बात क्यों होती, कोई बता सकता है क्यों होता है यहां सेफ्टी की बात नहीं इतना। हाँ तालियां बजाइए भाई इनके लिए, क्योंकि खतरनाक चीजों का हमारा सामना यहाँ बाहर की तुलना में ज्यादा है ना। और ज्यादा खतरनाक स्थान में अगर हम काम करेंगे तो खतरे का स्तर बढ़ जाएगा, इसीलिए सुरक्षा की बात की जाती है, क्योंकि ये मोर हजार्डस है ना, हजार्डस एरिया है, यहाँ पे कम हजार्ड बॉयलर की ऊंचाई में चढ़ जाएंगे तो वहां पे ज्यादा खतरा है, क्लोरीन के प्लांट के एरिया में चढ़ जाएंगे तो ज्यादा खतरा है ना, बैठे हैं तो कम खतरा है, बाइक चला रहे हैं तो ज्यादा, जब स्पीड में है तो ज्यादा खतरा है। तो खतरे का लेवल समय के साथ साथ बढ़ते जाता है। तो यही संदेश के साथ मैं श्री नरेंद्र देवांगन सर, हमारे जो रक्षा अधिकारी हैं उनको मैं बुलाऊंगा, क्योंकि वे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगातार आप लोगों को जागरूक करते हैं अपने दैनिक जीवन में क्या चीज करना है। देखिए अगर दुर्घटनाएं अगर होती हैं तो उससे पूरा समाज को पूरा उसका दुर्गामी प्रभाव देखना पड़ता है। मान लो किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी का पति अगर दुनिया से चला जाए तो उसको, या अपाहिज हो जाए तो उसको एक अपूर्णनीय क्षति है, जिसे समाज को भी उस चीज का वो करना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगा और उसके परिवार वालों को भी भरपाई करना पड़ेगा। हाँ तो देवानंद सर अपना अनुभव साझा करें, आपका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है, दिव्यांगा सर के लिए तालियां बजाइएगा। धन्यवाद गौतम सर, आप सभी को नमस्कार। आवाज नहीं आ रही, जोश चाय पी लिया होंगे ना, गर्मी आनी चाहिए। आप सभी को नमस्कार, हम लगन चाह ठीक है। वैसे बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे पहले बताया भगत साहब ने, नमन साहब ने और सब बहुत ही अच्छे से आपने शक्ति के बारे में काफी अपने अनुभव के विषय में और सब बताया।
पड़े रहेंगे क्या घंटा लेंगे? क्या लगता है अपनी सेफ्टी कौन कर सकता है? स्वयं कर सकते हैं। सबसे पहला दायित्व तो अपना ही होता है। सेफ्टी के लिए जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति, वो एक कैकवाक के नाम पहले सभी लोग ये चाहते हैं कि हम कचरा फैलाते रहे, सफाई की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ऐसे रहता है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि भैया पढ़ा होगा तो उन्होंने बताया कि लोग यही चाहते हैं कि हम कचरा फैला के कहीं भी मूंगफली का दाना खाए और छिलका नहीं फेंके और उसको उठाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? उसके लिए तो सरकार है, टैक्स लेता है, सरकार करे सफाई सरकार कर सकती है। सब लोग कचरा लगातार कहीं पर फैलाते रहेंगे तो सरकार कर सकती है क्या सफाई? उसके पास कितने हैं? पूरा एक मोहल्ले के लिए एक झाड़ू लगाने वाला है, दो झाड़ू लगाने वाला, दिन भर झाड़ू लगे हर एक आदमी में छह एक तो आदमी लोग नहीं कर सकते। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने कचरे को कहाँ पर फेंकते हैं, उसी से हमारा देश अस्तित्व स्वच्छ रहने वाला है। वैसी स्थिति हमारे प्लांट को आप अगर सोचेंगे कि नहीं कोई देख नहीं रहा है तो मैं बिना हेलमेट के कहीं चले जाता हूँ, मैंने कोई भी देख रहा है तो बिना सेफ्टी जूता के आ जाता हूँ, कोई टोक नहीं रहा है तो मैं बिना सेफ्टी बैठ के कहीं चले जाता हूँ, आपको हर एक आदमी कोई देखने वाला रहे तो बंदूक लेकर के निशाना लगा के रख रहे तब मैं ठीक करूँगा, ऐसा टोक एक प्रकार से देखा सोच अच्छी बन जाती है। टोक तो रहा नहीं है तो मैं क्यों करूँ? तो सेफ्टी से किसका फायदा होगा? सेफ्टी को अगर हम अपनाते हैं तो सबसे पहला फायदा किसका है? खुद का है, हमारे हाथ पर बचता है, हमारी जान बचती है। अब एक आदमी का अगर एक्सीडेंट हो गया, एक लापरवाह आदमी को किसी को नहीं मानता, उसको लगता है कि भाई मैं तो पूजा पाठ करके आ जाता हूँ मुझे कुछ नहीं होने वाला, अगर रक्षक जो है हमारे भगवान आप कुछ भी करते रहेगा तो क्या होगा? तो बच सकता है कि एक्सीडेंट होगा? क्या लगता है एक्सीडेंट होगा? क्योंकि जैसा आप करोगे वैसे ही आपको फल मिलता है, ऐसा नहीं कि करोगे कुछ और भरोगे कुछ, ऐसा नहीं मिलता। आप असुरक्षित काम करोगे तो असुरक्षित काम का परिणाम फिक्स है, वो एक्सीडेंट कभी ना कभी कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा। वही रहता है ना जैसे कि हम आम का बीज लगा तो सोचे नहीं मेरे को अंकुर मिलेगा, क्या अंकुर नहीं मिलेगा? तो क्योंकि वो आम का बीज था, आम ही मिलने वाला है, आप कितना भी उसमें अंकुर का रस डालते रहो कुछ भी करते रहो कुछ नहीं होता। वैसी स्थिति होती है जब दुर्घटना का बीज क्या है, दुर्घटना के दो टाइप के बीज, एक जैसा कि सर ने बताया गलत तरीके से काम करना सबसे बड़ा बीज यही होता है। हम बार बार जान कुछ करके सेफ्टी के नियमों की अवहेलना करते रहेंगे तो दुर्घटना का पेड़ बड़ा होगा, फल लगेगा, दुर्घटना का फल आपको खाने की जरूरत। तो इसीलिए हम सबको जहां तक मैं समझता हूँ इसमें किसी की इच्छा नहीं होगी कि एक्सीडेंट हो, बहुत है ना किसी की इच्छा कि एक्सीडेंट हो किसी के साथ, मेरे साथ या किसी के साथ हो, ऐसा कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। उसके बाद भी हो जाता है, क्यों हो जाता है? यही लोग होता है क्योंकि साइड में कुछ खतरा रहता है और दूसरा हम गलत तरीके से काम करके उस खतरे के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे आग लगा हुआ है, आग लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि आदमी अपने आप खिंचा के आग के अंदर घुस जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अब किसी का ध्यान ही मोबाइल में है, सामने गड्ढा आ गया या सामने कुछ और आग आ गया या कुछ रेलिंग नहीं है, अब मोबाइल में इतना चल रहा है यूट्यूब फेसबुक पर बहुत लगातार वीडियो आ रहा है, अब क्या होगा? असुरक्षित तरीके से काम कर रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है साइड, उसका ध्यान तो मोबाइल। तो फिर ऐसे आदमी जो इसका ध्यान कहीं और रहता है उसका एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना बढ़ती जाती है। वैसे ही ऐसा आदमी जो कि साइट में जा करके खतरों को चेक नहीं करता, काम शुरू करता है उसके पहले आपको खतरों को एक बार चेक कर लेना चाहिए, चारों तरफ घूम करके ऊपर नीचे क्या क्या खतरा होता है, नीचे कहीं पे गड्ढा होगा, नीचे कहीं पे जाली ऐसी निकली होगी, नीचे और क्या हो सकता है, ऐसे फिसलन हो सकता है, तेल गिरा होगा, उबड़ खाबड़ जमीन होगा या कोई सामान पड़ा होगा, कोई पाइप का टुकड़ा रखा होगा, कुछ भी हो सकता है खतरा। तो हमको सबसे पहला जो अपना जो ध्यान रखना है सेफ्टी से काम करना है, तो पहला जो ध्यान यही रखना रहता है कि साइट में जाते हैं तो पहले हमको चेक करना चाहिए साइट को एक बार, नीचे क्या क्या खतरा दिख रहा है, ऊपर कुछ खतरा तो नहीं दिख रहा है,
ऊपर भी कैच खतरा हो सकता है, कोई सामान ऊपर से लटक रहा हो तो कभी भी गिर सकता है, कई बार होता है किसी भी कारण से कोई सामान डूज होकर के ऊपर से लटक रहा है, कई बार ऐसा बिजली के तार किसी कारण से हमारी गलती से वो लटके रहते हैं किसी और हमारे भाई की गलती से वहां पे आ जा रहे हैं। वैसे ही दाएं बाएं भी कुछ खतरा हो सकता है, इधर से कुछ कोई चीज ऐसे गिरने वाली हो, किसी का रखा है गिरने वाला, तो चारों तरफ ऊपर नीचे देख लेना चाहिए जब भी हम साइड में जाते हैं कि कोई खतरा असुरक्षित परिस्थितियां तो नहीं है जो कि कभी एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। जब भी हम साइड में जाए पहले चेक करें। अब उसके बाद क्या होता है, आपने देख लिया कि तीन खतरा दिख रहा है, यहाँ पे तेल है, वहां पे कोई बिजली का तार लटक रहा है, ऊपर कोई सामान गिरने वाला है, तीन खतरा आपने मान लो देख लिया साइड। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, जब भी हम साइड में जाते हैं तो खतरा दिखा सबसे पहले कोशिश ये करें कि क्या वो खतरा इतना छोटा है कि भाई उसको ठीक कर दो। होता है ना एक बार रहता है कि जमीन में तेल गिरा पड़ा है, उसके लिए इधर उधर कंप्लेंट करेंगे तो पता नहीं कितने साफ हो और काम का काम शुरू कर देंगे तो पता है चला कि हम हमारा तो छोटा सा अगर काम दिख रहा है खतरे को दूर करने का तो तेल की सफाई खुद कर सकते हैं, अपने साथियों के माध्यम से करवा सकते हैं, छोटा मोटा कोई खतरा हो तो उसको हम खुद दूर कर सकते। दूसरा, अब ऐसा भी खतरा हो सकता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि बिजली के संबंधित कुछ खतरा दिख रहा है, हम इलेक्ट्रीशियन नहीं, हमको इलेक्ट्रिकल के बारे में ज्यादा जानकारी कुछ भी नहीं, तो आपके पास अगर इलेक्ट्रीशियन है तो उसके मदद से उसको ठीक करवाए, जरूर उसको पहले काम शुरू करने से पहले जो भी खतरे दिखाई दे रहे हैं उसको ठीक करवा के फिर काम शुरू करें। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे विभाग से संबंधित है, कोई और दूसरे विभाग का काम है या हम वहां पर कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसे भी स्थिति आ सकती, तब क्या करना है, तब फिर अपने जो भी साइट इंचार्ज है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, वर्क इंचार्ज है, वहां तक बात पहुंचाए कि वहां पर इस प्रकार का खतरा है, हम लोग काम करके जा रहे हैं, दिक्कत हो सकता है, तो फिर वो भी उनके हिसाब से फिर उसको व्यवस्था कुछ ना कुछ दूसरे विभाग का काम है तो दूसरे विभाग वाले को बुला करके पता करके करवाए। तो पहले खतरों को जो सामने आंखों से दिख रहा है अधिकतर वही खतरे प्रभावित करते हैं, उन खतरों को पहले दूर करके इसके बाद काम चालू करेंगे तो फिर छोटे मोटे चोट लगने की संभावना तो वैसे ही खत्म हो जाए। अभी हम जाते हैं हॉस्पिटल में, आपके पर्सनल हेल्थ सेंटर है हमारा एम्बुलेंस रोड, वहाँ पूछते हैं क्या क्या किसी को चोट तो नहीं लगा, तो हम लोग खोल के देखते हैं तो अंदर उसमें छोटी छोटी चोट दिख रही थी, किसी की खुबली कट गई, किसी का घुटना छिप गया, ये सब क्या है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। बड़े बड़े एक्सीडेंट को तो हमने लगभग कंट्रोल कर लिया, बड़े बड़े घटनाएं ऐसी नहीं हो रही, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको नियर मिस एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, कोई अचानक किसी के गिर गया, घुटना छिप गया, या किसी के सिर में छोटा मोटा चोट लग गया, इसका ज्यादा तो प्रभाव नहीं, खड़े होकर के खुद ही हॉस्पिटल गए, पट्टी बता फिर काम में आ गए, ऐसे छोटे मोटे चोटे भी नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सब जो चीजें बताई गई है उसका आधार, अगर ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हम बड़े जो भी एक्सीडेंट होने वाला होगा वो भी हमको समझ में आने लगेगा, पहले से ये एक्सीडेंट होने वाला है तो उसके हिसाब से हमको क्या तैयारी करनी, हमको पहले अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमको खुद लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा आकर के आपको रक्षा कर देगा या आपको सूचित करके भगा देगा कि आप क्या हो जाए खतरा आने वाला है, अच्छा हो सकता है किस्मत से होता है कई बार, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार हमको अपने साथ रहना पड़ता है, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है, तो इसके लिए हमको खुद को सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अगर हम लोग अपनाते हैं तो साइड से छोटे छोटे जो चोट लगती है उसको भी हम खत्म कर सकते हैं और पूर्ण जो जीरो एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपको भाई को याद देता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवानंद सर, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर छोटी छोटी अगर लड़ाइयां को अगर हम अपने जीवन में लड़े तो हम छोटे छोटे प्रयास की जरूरत, अगर हम छोटे से प्रयास को अगर अपने दैनिक जीवन में अपने आदतों में अगर शामिल कर लेते हैं तो फिर बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। तो जीवन में भी वही चीज लागू होती है कि हमें छोटा छोटा प्रयास करना है,
एक्टिव रखना है अपने आप को, अपने अगर कुछ चीजों को अगर हम छोटी छोटी गलतियों को अगर हम अगर रोक लेते हैं, अगर उसमें उसको ध्यान देते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। इसीलिए बात चलती है कि हम सेफ्टी टॉप करें। कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं है तो कम से कम आपके साइट इंचार्ज को बुलाओ, वहां पे जो आपका वर्क इंचार्ज है उनको बुलाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सर बताइए कि ये हम ये काम करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या खतरा हो सकता है। तो उसका एक बार हो सकता है आपकी नजरों में खतरा न दिखे तो आपके जो साइट इंचार्ज है, जो वर्क इंचार्ज है, जो पूर्व से ही उसको काफी अनुभव है उस काम का, तो उसके बारे में वो आपको बताएंगे। तो इन चीजों को पूछने से कभी भी आप लोगों को दिक्कतना नहीं है। इसके पश्चात में सभागृह में जो उपस्थित है कोई और संरक्षा के बारे में कोई अपना जो अनुभव साझा करते हैं करना चाहते हैं तो भी कृपया यहाँ आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। अगर जो भी अपने जीवन में दुर्घटनाएं देखे हैं उसमें उनसे क्या गलतियां हुई थी, उसको कैसे रोका जा सकता है, जा सकता था, तो अगर किसी के पास अपने कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे साझा कर सकते हैं। हो सकता है कि उससे हम सीख ले सकते। एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जो सामान्य लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। अरे यार मैंने ये गलती की थी तो मुझे अब ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो हमें अपनी गलतियों से तो सीखना ही सीखना है, लेकिन अगर कहीं सुनने को मिलता है कि ऐसे यहाँ पे ऐसे घटनाएं हो गई थी तो उनकी गलतियों से भी हमें सीखना है। उसको इग्नोर नहीं करे यार मुझे क्या करना हो गया होगा जितने साथ हुआ होगा, ऐसा नहीं। उस घटनाओं को आप खुद आत्मवंथन कीजिए कि वो जो दुर्घटनाएं हुई थी उसमें ऐसे क्या चीज था जिसे कारण से वो दुर्घटनाएं घटी, उसको जानने का प्रयास कीजिए, उसको जानिए, उस पर आत्मविश्लेषण कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने अपने जो भी सीनियर है उनसे पूछिए सर वहां क्या हुआ था, तो ऐसे दुर्घटना हो गया था, क्या नहीं करना चाहिए था उसको। तो ऐसा एक आदत में अपने डालिए चीज को। और कोई बोलना चाहता है तो कृपया यहाँ आइए, आइए आइए। तालियों के स्वागत से स्वागत कीजिए उनका, ये अपने अनुभव यहाँ साझा करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इनके अनुभव से आप सीखिए, उसको समझिए कि क्या हुआ था। आइए, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम राठौर जी हैं केके पावर से, अपने ये अनुभव आपके बीच में साझा करेंगे। राठौर धन्यवाद सर जी, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। जैसे कि यहाँ सेफ्टी सुरक्षा के बारे में चर्चाएं हो रही है, मैं भी आप सभी को उन्हीं के कुछ कड़ी बताना और समझाना भी चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ दो तीन सवाल भी हुआ कि सुरक्षित असुरक्षित क्या है, बाहर जैसे कि अपने यहाँ प्लांट क्षेत्र से बाहर में और यहाँ दोनों जगहों में सुरक्षा जो है यहाँ ज़्यादा जरूरी क्यों है, बाहर में इतना जरूरी क्यों नहीं है, यही सब मैं आपको बताना समझाना चाहूँगा। जैसे कि सुरक्षित और असुरक्षित पहले ये बता दूँ, असुरक्षित वह कार्य है जो यदि जैसे मैं इलेक्ट्रिकल में काम करता हूँ, जैसे ब्रेकर है या कोई भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उसको पहले हमें समझना है कि यह चालू है या नहीं, इस सिस्टम में कोई काम कर रहा है या नहीं, इन सब चीज के बारे में हमें जानना जरूरी होता है कि कहीं अगर कोई सिस्टम में कोई फील्ड में कोई कार्य कर रहा है और हमें उसका स्कीम बनाना है तो
हमें पहले सुनिश्चित करना है कि उस सिस्टम में काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ है कि नहीं है, उसके बाद हमें वह सिस्टम चालू करना है। एक दूसरा, यदि कहीं पे कुछ काम करना है तो हमें हमारे हैंड ग्लव्स जरूरी रखने हैं, फ्लायर इंसुलेटेड हो, टेस्टर सही से काम कर रहा हो, यह सारे उपकरण सही होना चाहिए। अगर उनमें से किसी एक चीज का हम ध्यान नहीं देते हैं कहीं ना कहीं कुछ चूक होगा, आप जो है दुर्घटना हो सकती है। दूसरा यह है कि बाहर से ज्यादा जरूरी प्लांट क्षेत्र में सुरक्षा का होना जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो यहाँ ऐसा कोई भी जगह नहीं जो लोहे से बना ना, लोहा मतलब एक ठाड़ी चीज, अगर थोड़ा सा कहीं से कहीं हमारे शरीर को पड़ता या लगता है तो चोट आना जरूरी है। यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह में कुछ ना कुछ सिस्टम है, उपकरण है, मशीन है, वहाँ हमें नीचे से लेके ऊपर तक हमें नहीं हमारे सहकर्मी सभी को ऊपर से नीचे तक काम करना होता है। तो क्या होता है कि कहीं हम कुछ काम कर रहे हैं और यदि हेलमेट, जैसा कि हेलमेट वगैरह के बारे में, हेलमेट नहीं पहने हैं और ऊपर से हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, नीचे में कुछ लोग हैं और हेलमेट नहीं पहने, हो सकता है हमारे हाथों से कुछ सामान गिर जाए या और कुछ भी हमारे पैर में या जो भी कुछ भी सामान हो गिर गया, हो सकता है नीचे जो भी हो लग जाए। तो यहाँ जरूरी इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में एक तो काम भी करते हैं एकत्र होकर एक जगह, बाहर ये है कि बाहर में एक का दो का जो भी है इधर उधर करते रहते हैं, वहां उतना जरूरी नहीं होगा। प्लांट में एकत्र होंगे बहुत सारे संख्याओं में, ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम में काम करते तो हमें सुरक्षा बहुत जरूरी होता है। और यह सुरक्षा जो है प्लांट में ही नहीं हमारे घरों में भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने उसने पहले एक वीडियो देखा था फेसबुक में, एक महिला जो है अपने घर में हाल में वाटर हीटर से पानी गर्म करने के लिए फाइबर बार की वीडियो है, पानी गर्म करने के लिए वाटर हीटर कपड़े डाल करके वो पानी गर्म करने के लिए छोड़ देती है। उसी टाइम एक बच्ची 5 साल की लगभग वो खेलते रहती है और खेलते हुए आती है, उसकी माँ जो है कुछ काम के लिए उस कमरे से बाहर चली जाती है, तो बच्ची जो है खेलते हुए उस वाटर हीटर वाले जो पानी जो आँख था उसको जाके छू लेती है। लड़की को शॉकिंग होता है, करेंट लगता है, अभी बाहर होता है। इससे क्या होता है, उसकी माँ को जब पता चलता है तो देखता है, बहुत रोती है, फिर उसको उठा के लेके जाती है। तो यहाँ पे उनका एक चूक होता है उसकी माँ का, एक तो बच्चे कमरे में खेल रही है, दूसरा उस रूम में जो है वाटर हीटर चालू करके वो छोड़ के चली गई है और वो भी वहाँ उस कमरे में कोई नहीं है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा असुरक्षा का काम होता है जिससे वो भारी नुकसान, जैसे कि उनके घर में सदस्य जो है खिलाड़ी कभी से हो जाते। तो छोटी छोटी घर में भी हम असुरक्षित कार्य करते हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे यहाँ आपके यहाँ सबके यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे ही हैं हम भी, जो है कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं तो उन्हीं ध्यान ना देने की वजह से कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिससे हमारे शरीर को चोट लगता है या हमारे द्वारा किसी अन्य को चोट लग जाता है। इससे शरीर के साथ साथ घर परिवार का और थोड़ा आर्थिक रूप से भी नुकसान होना पड़ता है। तो यह चीज नुकसान से बचना बात की बात है, जब तक शरीर सलामत रहेगा तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्लांट में आकर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे शरीर के सभी अंग है वो सही, जैसे कि अगर चोट लग गया हाथ को पैर को, हम काम करने के लिए बाधित हो जाते हैं, काम कर नहीं पाएंगे, चोट लग गया भाई तुम काम नहीं कर सकते, तो हमारे शरीर को सब सलामत रखना बहुत जरूरी है। तो हमें सुरक्षा हमारे साथ साथ हमारे सहकर्मी हैं उनको भी कोई प्रकार का चोट ना लगे इसे ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, इन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं और मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति अब
दैनिक जीवन में छोटे बड़े दुर्घटनाएं हर कोई देखते हैं और सामना करते हैं, तो हर इन चीजों का जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनका थोड़ा आत्मंथन कीजिए और उनको देखने का प्रयास कीजिए। ये असुरक्षित कार्य की वजह से हुआ है कि ये असुरक्षित परिस्थिति की वजह से हुआ है? अब एक उदाहरण बता रहा हूं, आप बताइए वो असुरक्षित कार्य है कि असुरक्षित परिस्थिति है। कि जैसे एक किचन में एक मम्मी क्यू एक बर्तन में पानी गर्म कर पहुंचते हुए अब उसको लेकर नीचे हो सकता है उसको वहां किचन में कुछ काम करना पड़ रहा हो रख। अब उसके छोटे छोटे बच्चे वो लोग अब वो जरा ही अपनी मम्मी के इर्द गिर्द घूमते हैं छोटे बच्चे, तो आप बताइए ये असुरक्षित कार्य है कि असुरक्षित परिस्थिति है? दोनों है, ताली बजाइए भाई उसके लिए। ये दोनों ही है, असुरक्षित उस पर रख देना क्या है, असुरक्षित कार्य, लेकिन वहां पे एक अनफिट कंडीशन स्थिति उत्पन्न हो गया रखने के बाद। अब वो बच्ची गलती से भी अब ये सत्य घटना है, अब एक बच्ची जाके उसमें जाकर बैठ गई, इसमें से बाहर करते हुए वो बैठ गई, उसका पूरा नीचे का हिस्सा जल गया। तो ये दोनों है, असुरक्षित कार्य भी है असुरक्षित परिस्थिति भी। तो और कोई इस अवसर पे कोई अपने अनुभव साझा करना चाहते हो तो उनका भी स्वागत है। तो काफी समय हो गया है, सभी लोगों को अपने अपने कुछ काम करना है, तो इस कार्यक्रम में यहाँ पे आए हैं इसके लिए मैं देवांगन सर को बुलाना चाहता हूँ, इनका सभी का धन्यवाद ज्ञापन के लिए। देवांगन सर धन्यवाद सर, आज के इस सेक्टी वीक कार्यक्रम के सेकेंड प्रोग्राम में, पहले दिन तो हम लोग नाटक हुआ था, सेकेंड डे आज ये सुरक्षा व्याख्यान जो टेक्निक में रखा गया उसमें आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और खास करके श्री भगत साहब जो मेरे बिजी शेड्यूल में से निकाल समय निकाला, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम।